ये थ्री पॉइंट प्रोग्राम जो है ना, पॉइंट नंबर वन क्या है, टू जहां आपकी श्रद्धा टिकी है मैं गुरु जी का स्मरण करता हूं, आप अगर चाहो तो कर लो, ये करके देखना। गुरु जी का स्मरण करते ही ना आपका दिल ऐसे खिलेगा, फिर कोई भी चीज छोड़ने में बिल्कुल सरल हो जाता है, सहज हो जाएगा आपके लिए छोड़ना। ठीक है, ये करके देखो। अच्छा, ये तीन पॉइंट प्रोग्राम है, आप जिस चीज से फ्री होना चाहते हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, गुस्सा हो, चिंता हो, डर हो, अपेक्षाएं हो, आत्मज्ञानी हो, दुख हो, जिस चीज से आप फ्री होना चाहते हो उसके लिए थ्री पॉइंट प्रोग्राम करके देख लो। एक काम करते हैं, पांच मिनट अभी अभ्यास कर लेते हैं, पहली बार आंखें बंद, सब लोग आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, हथेलियों को घुटनों पर रख के आकाश की तरफ खुली कर, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे और एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते छोड़ते शांत तृप्त प्रसन्न होकर बैठें। सब लोग करें, आप भी करें, आंखें बंद। और अपने मन को धीरे धीरे भूतकाल में ले जाए। लेट अस टेक द माइंड टू द पास्ट। भूतकाल में हुई हुई उन घटनाओं को याद करें जहां मन अप्रसन्न हुआ हो, और जैसे ही कोई ऐसा मौका, ऐसी कोई घटना याद आए, सांस अंदर लेते हुए गुरु जी का स्मरण करते हुए बाहर जाने वाली सांस के साथ उस घटना से जुड़ी हुई अप्रसन्नता को, नाखुशी को छोड़ दें। चिंता हो, गुस्सा हो, दुख हो, पीड़ा हो, छोड़ते जाए। चालू रखेंगे लंबी गहरी सांसें, गुरु जी का स्मरण और बाहर जाने वाली सांस के साथ जीवन की किसी भी गड़बड़ को त्यागते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने आप करते रहेंगे। जिनका अपने साथ बहुत रेगुलर संबंध है, ऐसे एक एक व्यक्ति को भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग व्यक्तियों को याद करते जाओगे, उनके साथ जुड़े हुए कोई अगर असुखद घटना, कोई असुखद अनुभव याद आ जाए तो उसे भी छोड़ते रहें। चालू रखें। आप अगर आंसू आ रहे हो तो रोकना नहीं उसको, लेकिन रोने में, दुखी होने में रस नहीं लेना बिल्कुल। हमें दुख छोड़ने में रस है, गुस्सा छोड़ने में रस है, उससे मुक्त होने में रस है। चालू रखिए।
कभी कभी ये भी हो सकता है किसी शिकायत को किसी गुस्से को मन छोड़ने के लिए तैयार ना हो, प्रतिकार करे। तो पहले वो प्रतिकार वो रेजिस्टेंस छोड़ ले और फिर शिकायत को उस गुस्से को उस गड़बड़ वाली घटना की किसी असर को भी छोड़ दे जाए। ये याद रखें, अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, ऐसा समझ लें। अपने जीवन को प्रसन्न रखने की जो जिम्मेदारी है अपनी, उसको निभा रहे हैं अभी, और अपने मन से इन कचरे को त्याग रहे हैं, छोड़ते जाएं। आंखें बंद रखें, आंसू आ रहे हो तो आने दो, रुकना। चाहो तो अपने बचपन तक लेके जा सकते हो अपने मन को, तब भी हुई हुई किसी भी घटना के बारे में। अगर कोई गलत भाव, जीवन को नुकसान करने वाला, हानि करने वाला कोई विचार या भावना, इमोशन अभी भी अपने मन में रहा हो तो उसे भी त्यागते जाओ। लंबी गहरी सांसें, गुरु का स्मरण बहुत जरूरी है। कौन सही कौन गलत इस चक्कर में नहीं पड़ना। अपने जीवन के लिए हानिकारक चीज है तो उसे त्यागना ये जरूरी है। Keeping your eyes closed, let go of all those negative emotions, all those harmful emotions, all those disturbing memories of the past, and be free from them. लंबी गहरी सांसें लेते जाएं, गुरु का प्रभु का स्मरण करते जाएं और अपने मन से कचरे को त्यागते जाएं।
धीरे धीरे मन को वापस वर्तमान में ले आए। अपने शरीर की तरफ, अपने आसपास के वातावरण की तरफ सजग होते हुए मन को वापस इसी जगह ले आए जहां हम बैठे हैं। और जब आपका मन करे अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं, फिर इसे आंखें खोल सकते।